दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्यूबवेल दिखाऊंगा जिसमें 40 फीट लंबा प्रेशर किया जाता है। दोस्तों अभी आप जो सामने वीडियो में देख रहे हैं ये ट्यूबवेल है, ये बोरवेल किया गया है और ये 40 से 50 फीट दूरी पर यहाँ पर ये प्रेशर मार रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखें, आखिर ये है क्या, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक बोरवेल किया गया है, 500 फीट गहरा बोरिंग किया गया है जमीन के अंदर और ये पूरा एक ट्रक खड़ा है जिसमें जनरेटर रखा हुआ है और ये कंप्रेसर है, यानी कि हवा इतनी तेज बनाई जा रही है जिससे पानी साफ होता है और ये यहाँ पर 40 फुट दूरी पर मतलब इसको पानी को लगा रहा है। बाकी आप वीडियो को बने रहे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही पास वाली घंटी जरूर दबाएं जिससे खेती संबंधी आपको जानकारी मिले। किसान भाइयों अगर आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं तो इस वीडियो को देखें, यहाँ पर ये बोरवेल किया गया है जमीन के अंदर 500 फीट गहरा। ये सरकार द्वारा एक हमारे यहाँ पर योजना है प्रधानमंत्री जी तो सिंचाई योजना के तहत यहाँ पर ये पेयजल योजना के तहत यहाँ पर गांव की सिंचाई के लिए जो पानी पीते हैं उसके लिए यहाँ पर बोरवेल किया गया है बोरवेल। और ये देखिए जमीन में 550 फीट गहरा बोरवेल किया गया है। उसके बाद इसका प्रेशर आप जो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी दूर तक का प्रेशर वहाँ से निकल गए। बाकी ये 6 सिलेंडर के साथ कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर में एक घंटे में 50 लीटर डीजल खपत है। इस पाइप जो छोटा सा पाइप दिख रहा है, इस पाइप के अंदर हवा इतनी तेज बनाई जा रही है जिससे क्या होता है इस कंप्रेसर को हवा देने के साथ साथ पानी को साफ किया जा रहा है। बाकी आप यहाँ पर देखिए पानी साफ हो रहा है और जो ये बोरवेल आप देख रहे हैं, इस पाइप ये छोटा जो पाइप ये जमीन के अंदर जाता है, हवा बनाता है, इतनी तेज हवा बनाता है कि जो पानी होता है उसमें बबल होते हैं, नीचे हवा बनती है, बहुत प्रेशर बनता है। उस प्रेशर से बिना लाइट के बिना मोटर के और ये देखिए कितना जबरदस्त और बेहतरीन कितनी दूरी तक, बहुत ही खतरनाक, पहली बार मैंने भी देखा इतना लंबा प्रेशर बनाता है। बाकी आप देखें यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 6 सिलेंडर के साथ पूरा जनरेटर बड़ा है और इससे पहले अगर किसान भाई अगर आप ट्यूबवेल लगाते हैं तो हम जनरेटर लगा कर कहीं कहीं घंटे तक उसको पानी को सफाई करते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा बोरवेल कर रहे हैं तो उसमें आपको कंप्रेसर लगाना पड़ता है बिल्कुल शुद्ध और साफ पानी के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक कंप्रेसर, बहुत बड़ा कंप्रेसर है ये और इस पाइप बिल्कुल गर्म हो रहा है ये पाइप, ये हवा जमीन के अंदर बहुत गहरी बना रहा है नीचे 500 फीट गहरे बोरवेल के अंदर। उसके बाद इस पाइप की मदद से पूरा प्रेशर और पूरा प्रेशर जोरों के साथ ये वहाँ पर जा रहा है, ये देखिए बहुत लंबा प्रेशर है। तो इस तरीके से पानी को लगभग ये 20 से 25 घंटे चलाया जाएगा, 3-4 दिन में हर रोज 4 घंटे, तो तब जाके ये कंप्रेसर से पानी साफ होता है, उसके बाद पीने लायक या सिंचाई लायक आप कर सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आपके यहाँ पर भी इससे पहले अगर आपने कभी कंप्रेसर देखा है वो भी हमें भी बताएं कि आपके यहाँ पर भी कंप्रेसर का अधिक उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है वो हमें बताएं। भाई साहब है हमारे साथ, कहाँ से हो भैया? बरेली से। बरेली से तो ये कंप्रेसर कितनी दूर तक लगा देता है पानी को? ये मारता जब बैग हम लोग लगाते हैं तो 3 किलोमीटर पानी फेंक के मारता, ये 3 किलोमीटर लंबा दूर पानी मार देगा फेंक के, बिल्कुल 3 किलोमीटर मारेगा। और अभी ये लगभग 60-70 फुट दूरी पर चल रहा है? जी 60-70 फुट दूरी पर चल रहा है। तो रोज कितने घंटे चला रहे इसको आप? रोज चला रहे हम लोग 4-5 घंटे चला रहे, 4-5 घंटे में लगभग मैं कहूंगा जो नॉर्मल ट्यूबवेल है उसके अपेक्षा 5-6 दिन का काम कर देगा। और ये देखें यहाँ पर ये डीजल खा रहा है एक घंटे में 80 लीटर तेल, और एक ये पूरा जनरेटर इनका जो कंप्रेसर से हवा बना रहा है 80 लीटर डीजल खपत है एक घंटे में यहाँ पर प्रेशर बनने के बाद। और ये देखें यहाँ पर ये लोग लगा हुआ जो हवा बना देता है उसके बाद ये पानी वहाँ पर जा रहा है। तो बरेली से भाई इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे को दी है और ये देखिए आप बहुत ही जबरदस्त, इसके आगे हाथ भी नहीं लगाया जा सकता और यहाँ पर गिलास में बार बार पानी को भरते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं कि पानी में कितनी शुद्धता है, और ये देखिए पानी में कितनी शुद्धता है, पानी में कितनी शुद्धता है, इस तरीके से इसको चेक किया जाता है हर रोज, तो हर एक घंटे बाद चेक करते हैं कि क्या स्थिति है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी, तो बाकी हमें कमेंट में बताएं कैसा रहा आपको ये सफ़र, इस वीडियो के माध्यम से आपने कंपैरिजन देखा। लाइक शेयर पेज को फॉलो जरूर करें, जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान और जय किसान।